हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों जय आर्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट 16 से संबंधित ये दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 से लेके क्वेश्चन नंबर 50 तक बताऊँगा। तो आइए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा तत्व षडंग में नहीं है? प्रमाण, अंतराल, लावणी, रूप भेद। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अंतराल। अंतराल जो होता है दोस्तों कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 27, लावणी को मोती की तरलता के समान किसने बताया? आनंद कुमार स्वामी, भरत मुनि, रूप गोस्वामी, बी एन गोस्वामी। इसका राइट आंसर है सी, रूप गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 28, कौन सी कला रूपप्रद नहीं है? दोस्तों यहां पे ये पूछ रहा है कौन सी कला रूपप्रद नहीं है, ऐसी कला जो हमें दिखाई नहीं देती। चित्रकला ये दिखाई देती है, मूर्तिकला इसको भी हम देख सकते हैं, वास्तुकला इसे भी देख सकते हैं, संगीत कला, संगीत कला जो होती है वो हम इसका सुन करके रसस्वादन करते हैं, तो ये कला हमें दिखाई नहीं देती। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 29, शिल्प का संबंध किससे है? भाव से, रचना विधि से, मूर्ति से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रचना विधि से। क्वेश्चन नंबर 30, पेस्टल रंगों को धरातल पर अस्थाई करने के लिए लगाए जाने वाले घोल को कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जामों में आ चुका है। वार्निश, थीनर, टर्पेंटाइन, फिक्सेटिव। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, फिक्सेटिव। पेस्टल कलर को हम फिक्स करने के लिए, ये एक तरह का स्प्रे होता है, हम उसे यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ईरानी शैली की विशेषता है रेखा, आकृति, रंग, प्रकाश, छाया प्रकाश। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, रेखा। ईरानी शैली की जो विशेषता है वो रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसमें अनुकृति नहीं होती है? कविता, रेखा, मूर्ति, उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, रेखा। क्वेश्चन नंबर 33, जयमंगला किसका नाम है? कामसूत्र का, धर्मग्रंथ का, महिला कलाकार का, जयपुर का। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कामसूत्र का। जयमंगला एक पुस्तक है जिसके टीकाकार हैं यशोधर पंडित, और ये जो टीका किया गया है वो कामसूत्र पुस्तक से लिया गया है, और कामसूत्र के रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। क्वेश्चन नंबर 34, चीड़ के पेड़ से उत्पन्न लीसा से कौन सा तेल प्राप्त होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलसी का तेल, मिट्टी का तेल, तारपीन का तेल, सरसों का तेल। चीड़ के पेड़ से हमें टर्पेंटाइन ऑयल मिलता है, तारपीन का तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 35, कलाकृति में भोग का अर्थ है खाद्य सामग्री, प्रसाद, कृति में प्रयोग की गई सामग्री, चित्रण विधि। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, कृति में प्रयोग की गई सामग्री। क्वेश्चन नंबर 36, पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाना कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्फुमाटो, एचिंग, हैचिंग, चेरस्क्यूरो। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हैचिंग। क्वेश्चन नंबर 37, चित्र षडंग किस ग्रंथ की उत्पत्ति है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र की टीका, चित्रसूत्र, वास्तुशास्त्र। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कामसूत्र की टीका। ये षडंग जो है, कामसूत्र की टीका जो है उससे लिया गया है, जिसके रचनाकार कौन है? यशोधर पंडित है, और कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्यायन। काफी इंपॉर्टेंट है, जो षडंग है वो जयमंगला पुस्तक से उद्गृत है, जिसे हम रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण योजना सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंगकम के नाम से जानते हैं, जो कला के हर एक कलाकृति में जो प्रयोग की
की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम किसने राजस्थानी चित्रों की खोज की? रायकिशोर दास, आनंद कुमार स्वामी, मोतीचंद, अवनीनाथ टैगोर। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, आनंद कुमार स्वामी। क्वेश्चन नंबर 39, बारहमासा चित्रण किस शैली में अधिक हुआ? अजंता, मुगल, राजपूत, पहाड़ी। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 40, कार्टूनिस्ट क्लब ऑफ इंडिया CCI की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1991, 12 मार्च 1942, 4 मई 1949, 16 दिसंबर 1985। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, 2 अप्रैल 1991। क्वेश्चन नंबर 41, दीपक राग तथा भैरवी राग ने किस शैली के प्रसिद्ध चित्र है? बूदी, जयपुर, मेवाड़, जोधपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, बूंदी शैली। क्वेश्चन नंबर 42, बालों की घुघराली तथा मोटी लट किस शैली की मुखाकृतियों में चित्रित की गई है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 43, ढोला मारू का विषय किस चित्र शैली में विशेष लोकप्रिय रहा? जयपुर, जोधपुर, मेवाड़, किशनगढ़। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 44, साहबदीन तथा निसारदीन किस शैली के चित्रकार थे? मालवा, मारवाड़, मेवाड़, जयपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मेवाड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लोक कला का प्रभाव किस शैली पर अधिक है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, नाथद्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे अधिक व्यक्तिचित्र किसके शासन में बने? शाहजहां, जहांगीर, हुमायूं, अकबर। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 47, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की थी? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, अकबर। क्वेश्चन नंबर 48, इनग्रेविंग तथा एचिंग किसका भाग है? इंटेग्लियो, एक्वाटिंट, फ्लेक्सोग्राफी, लिथोग्राफी। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, इंटेग्लियो। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? कैमूर की पहाड़ियों से, भीमबेटका से, पंचमढ़ी से, होशंगाबाद से। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भीमबेटका। क्वेश्चन नंबर 50, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? त्रिस्तान जारा, जिया आर्प, मार्शल दुमसा, आंद्रे ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मार्शल दुमसा। क्वेश्चन नंबर 51, किस पशु का हड़प्पा संस्कृत में पाई गई मुहरों पर निरूपण नहीं हुआ? इनमें से हड़प्पा काल में जो मुहर बनी थी किस पशु की आकृति नहीं बनाई गई? बैल का, भैंस का, गाय का, सिंह का। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, गाय का। इसमें गाय की आकृति का प्रयोग मुहरों पर नहीं किया गया। तो दोस्तों, इस तरह से हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में बताए हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों, इसी प्रकार से विजुअल आर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।